किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, और इतना कह सकते हैं साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। विवादों से घिरे एक संत जो इस वक्त चमत्कार के लिए देश में लोकप्रिय है, नाम है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो साईं बाबा पर एक बार फिर विवादित बोल की वजह से देश में वायरल हो रहे हैं। उन्होंने साईं भक्तों से कहा है कि कोई गीदड़ की खाल पहनकर शेर नहीं बन सकता। फर्स्ट किराए शोरूम यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। यह विवादित बोल वचन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बीते दिनों जबलपुर में कथा के दौरान कहे हैं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, और इतना कह सकते हैं साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। जिसके सामने जनता हो, जो लाखों से घिरा रहे, कभी कभी उसे भी ये ख्याल हो जाता है कि शायद सब कुछ उससे ही चलता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था, जैसे अपने खुदा होने का उतना ही यकी था। अब साईं बाबा महाराष्ट्र की सांसें हैं, वो महाराष्ट्र की धड़कन है, साथ ही इस देश के कई लोगों की आस्था का केंद्र है। वो भगवान है या फकीर है या संत है, इससे उनके भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी वैदिक और सनातन पद्धति से पूजा होती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं बोल बचनों के आधार पर ट्रोल हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, और अब जब इस देश के करोड़ों के दिल में, करोड़ों की जनता के दिल में, करोड़ों भक्तों के दिल में साईं बाबा रहते हैं, एक दिन में लाखों लोग उनके दर्शन करने आते हैं, शिरडी के साईं बाबा की ख्याति देश में है, विदेशों में भी है, तो फिर ऐसे में साईं भक्तों से यह कहना कि वो हिंदू पद्धति के अनुसार भले पूजा करें, साईं की पूजा करें, सनातन धर्म के आधार पर साईं की पूजा करें, लेकिन गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। क्या एक लोकप्रिय संत को यह कहना था? आप उन्हें भगवान न माने, संत न माने, फकीर न माने, लेकिन कोई संत किसी दूसरे महापुरुष या भगवान के बारे में यह कह सकता है? आप मानो या न मानो ये आपकी इच्छा है, लेकिन इस देश का संविधान कहता है, कानून कहता है कि आपकी जिसमें आस्था है आप उसे मानो, आप स्वतंत्र हैं। फिर बागेश्वर धाम के महंत को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि लाखों करोड़ों लोग साईं बाबा को भगवान मानते हैं, फिर उनकी आस्था से ये खिलवाड़ कैसा? जवाब जनता को ही देना है, भक्तों को देना है, चाहे वो भक्त बागेश्वर धाम के हो, चाहे वो भक्त शिरडी के साईं बाबा के, लेकिन अगर उनकी आस्था किसी में है तो फिर है, इसमें किसी को दिक्कत क्या है, इसमें किसी को परेशानी क्यों है? बस यही धार्मिक सियासत है। शायद अब संतों और महंतों के पास यही बचा है कि ऐसे बोलो और चर्चित हो जाओ। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।